आरती छोटू कांड ये प्यार का प्रसंग नहीं है, ये हवस का प्रसंग है। अब जो आरती कर रही है वह कलंकिनी है समाज के लिए, कलंक का टीका है आरती, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा गलती आरती और छोटू का है, दोनों परिवार को बर्बाद करने में है ना, कि दोनों के वजह से हमारा समाज, हमारा संस्कार सब अपमानित हुआ है। देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और एचओ न्यूज, मैं राजा कुमार साहब ढाका प्रखंड अंतर्गत मलकौनिया पंचायत में उपस्थित हूँ। बता दें कि यहाँ हमारे सामने मुखिया जी हैं मलकौनिया पंचायत के। यहाँ आज बिहार में आरती और छोटू के लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ, इसी विषय पे हम मुखिया जी से बात करेंगे कि क्या इनका इस पर क्या राय है। आप इसके लेकर कुछ बताइए जो आरती पूरा 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 बात एक बार में बता दें। हाँ बिल्कुल, आपका जितना प्रश्न होगा जो बोलने वाले हैं उस प्रश्न का जवाब हम बढ़िया से दे देते हैं। बिल्कुल, जो पूछने वाले हमको लग रहा है कहेंगे कितना लोग पूछ करके चले गए। आरती छोटू कांड ये प्यार का प्रसंग नहीं है, ये हवस का प्रसंग है। इस कांड में छोटू के साथ जो व्यवहार हुआ आरती के परिवार वालों ने किया, वही काम कोई भी बेटा, कोई भी भाई, कोई भी बाप, कोई भी सगा संबंधी वही करता जो आरती के परिवार वालों ने छोटू के साथ किया। बिल्कुल, अब जो आरती कर रही है वह कलंकिनी है समाज के लिए, कलंक का टीका है आरती, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वो जो कर रही है बिल्कुल अनर्गल काम कर रही है। छोटू मर गया, छोटू का परिवार के लोग आखिर आरती को उतना सर पर क्यों चढ़ाया हुआ है, फेमस होने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, अपने बचने के लिए। उसका बेटा 2 बजे रात को किसी के बेटी से मिलने अकेला में क्यों गया? उनकी भाभी के द्वारा बताया गया है कि उनकी भाभी के द्वारा आरती जो कह देगी उसको हम मान लेंगे, आप मान लीजिएगा। नहीं, क्यों मानेंगे उनका बात, वो गलत बोल रही है। उसने एक तरफ बोल रही है बयान में कि हमने बुलाया, एक बार बोल रही है कि हम भाभी ने बुलाया, एक बार बोल रही है कि भाभी ने शादी करवाने के लिए बुलाया। तो शादी 2 बजे रात को होता है, जितने बार भी मीडिया के सामने आया है एक अलग अलग बयान दे रहे हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए, इसके लेकर क्या कहेंगे? इसमें सारा गलती आरती और छोटू का है, दोनों परिवार को बर्बाद करने में, है ना। ये दोनों के वजह से हमारा समाज, हमारा संस्कार सब अपमानित हुआ है, है ना। कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनका पक्ष भी ले रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि इसी ऐसे कांड का पक्ष लेने वाला आदमी गलत है? नहीं जी, जिसके करनी से हमारे बाल बच्चों में गलत संदेश जा रहा है, क्या वैसे संदेश को अच्छा मानने वाला व्यक्ति गलत है? एक और आपसे सवाल रहेगा। हाँ? कुछ लोगों का कहना है कि आरती गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि छोटू गलत है, दोनों गलत है। तो इसके लेके आप क्या दोनों गलत है? आरती को 2 बजे रात को बुलाना नहीं चाहिए, छोटू को 2 बजे रात में वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्या? बिल्कुल। तो आप इस बिहार के युवाओं और युवतियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे हाँ, एकदम राइट पॉइंट पर आप आए हैं। आप, मैं आपके चैनल से पूरे युवक युवतियों को संदेश देना चाहता हूँ कि तुझे जन्म देकर, पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, कोई भी बाप मतारी 20 साल 25 साल तक तैयार किया है तो अपने आप को अपमानित होने के लिए नहीं किया है, अपने खानदान को शर्मसार होने के लिए नहीं किया है। इसका लाज ख्याल आप लोगों को रखना है और कोई भी काम सोच करके करना है। क्या जो आरती का परिवार वाले हैं, जो यह उनको जो ये घटना हुआ तो घटना होना नहीं चाहिए, मगर जो किया सही किया है गलत किया? ये मुद्दा थोड़ा सा
जटिल है आपका प्रश्न, फिर भी हीरा के चोर को खीरा का दंड, खीरा के चोर को हीरा का दंड नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको मौत ना दे करके उसको प्रताड़ना मिलना चाहिए था, और मौत भी हुआ है तो हमको नहीं लगता है कि उसको मारा गया है। भागने के क्रम में तार टूट करके, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, तार टूट करके उससे शरीर से लपटाया है, या तार करंट लगा दिया गया हो, जो सच्चाई हो, लेकिन उसको जिंदा रह करके एहसास कराना चाहिए था कि तुमने कितना बड़ा गलत किया है, कि जो बाप मतारी, जो साक्षात भगवान है, तुम्हारे लिए सर्वस्व नौछावर कर दिया, उसके प्यार को एक महीना दो महीना के प्यार के चलते जो है ताक पर रख दिया। क्या इसी दिन को देखने के लिए कोई बाप मतारी बाल बच्चा पैदा करके इतना मेहनत करता है? नहीं, हम लोगों का बाल बच्चा करेगा तो हम लोग सोचे मार देंगे, जान से मार देंगे, साफ जाएंगे जेल, जाएंगे जेल जाना होगा, जाएंगे हंसते हंसते जाएंगे जी। एक टोकरी आम में अगर एक वो आम सड़ जाएगा तो उस सारा आम को कहे नहीं, एक वो आम को फेंक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या उसके लिए सजा अगर हो? अरे भाई, भारत के आज़ादी के लिए है बहुत सारे हमारे नौजुवक मर गए, मिट गए, क्या जी धन गंवा दिया, नहीं बाप मतारी को खो दिया। उसका बाप मतारी क्या बोलता है? सीना तान के बोलता है कि अगर मेरा बेटा मरा है, मेरा धन गया है, तो देश के आज़ादी के लिए गया है। हम भी तन कर बोलेंगे कि अगर हमने किसी का हत्या किया है तो हम अपने समाज में अच्छा संदेश देने के लिए किया है। बोल सकते हैं। हमारे चैनल में आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।